हेलो चिल्ड्रन, हेलो ऑल ऑफ यू। आज हम एनसीईआरटी क्लास थर्ड इंग्लिश के चैप्टर फोर की स्टोरी देखेंगे, ठीक है? और लिटिल फिश स्टोरी, इस चैप्टर की, फोर चैप्टर की आपकी पोयम जो थी सी सॉन्ग वाली, वो पहले अपलोड की जा चुकी है। अगर आपने पोयम नहीं देखी है तो आप पहले पोयम देख लीजिए। और आपको पता है कि आपके सारे चैप्टर में एक स्टोरी और एक पोयम होती है, ठीक है? तो ये आपकी जो स्टोरी है मेरी गोल्ड बुक की है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ लिटिल फिश स्टोरी, लिटिल मतलब छोटी सी, ठीक है? छोटा, लिटिल मतलब छोटा, फिश कहते हैं मछली को, स्टोरी मतलब कहानी। ओके, देयर आर अ ग्रेट मैनी मिलियन फिश इन द सी। सी के अंदर, समुद्र के अंदर, सी कहते हैं समुद्र को, जो समुद्र होते हैं उनके अंदर बहुत लाखों मछलियां होती हैं। मिलियन मतलब लाखों, और मैनी मिलियन मतलब कई लाख, ठीक है? उसमें समुद्र के अंदर बहुत सारी मछलियां होती हैं, लाखों मछलियां होती हैं। बट दिस स्टोरी इज अबाउट जस्ट वन ऑफ देम। लेकिन ये जो स्टोरी है, ये जो कहानी है, उन मछलियों में से एक मछली की है, उनमें से एक की है, जो कि एंड अ वेरी स्मॉल वन एट दैट। और वो जो मछली है वो उन सारी समुद्र वाली मछलियों में से सबसे छोटी है। वेरी स्मॉल मतलब बहुत छोटी है, ठीक है? नाउ दिस लिटिल फिश, ये जो छोटी सी मछली है, हैड एवरीथिंग, एवरीथिंग मतलब सब कुछ, एवरीथिंग इन द सी, उसके पास समुद्र के अंदर सब कुछ था। एवरीथिंग मतलब सब कुछ समुद्र में, टू मेक हिम कंटेंटेड, कंटेंटेड बोलते हैं संतुष्ट, जो कि उसे संतुष्ट रख सकता था। उसके पास ऐसा सब कुछ था, ठीक है? कंटेंटेड का मतलब संतुष्ट कर देना। बट लेकिन उसके पास की जरूरत की समुद्र के अंदर सारी चीजें थी जो उसे खुश रख सकती थी। लेकिन बट मतलब लेकिन, ही वॉज नॉट हैप्पी, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं थी, हैप्पी नहीं थी, ठीक है? हैप्पी मतलब खुश होना, वो लेकिन वो खुश नहीं थी। यू विल लाफ, आप बहुत हंसेंगे, व्हेन, जब, लाफ मतलब हंसना, व्हेन, जब आई टेल यू व्हाई ही वाज नॉट, जब हम आपको ये बताएंगे कि वो जो मछली थी वो खुश क्यों नहीं थी, तो आप ये जानकर आपको बहुत हंसी आएगी, आप बहुत हंसेंगे। ही वाज अनहैप्पी, वो अनहैप्पी क्यों थी? वो अनहैप्पी इसलिए थी बिकॉज, क्योंकि He was so small, क्योंकि वो जो थी वो very small, बहुत छोटी थी। very small मतलब बहुत छोटी, और so very small तो मतलब बहुत ही छोटी थी। वो इसलिए खुश नहीं थी वो मछली, क्योंकि वो मछली बहुत छोटी थी, ठीक है? इसलिए वो हमेशा परेशान रहती थी, दुखी रहती, देखो sad रहती। देखो इसमें दिख रहा है ना, रो रही, sad है इस पिक्चर में, आप देखो कैसे sad दिख रही है ना। It is very hard to be such a little माइल ऑफ ऑफिस, और वो इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, ठीक है? इसी वजह से वो परेशान रहती थी कि वो बहुत छोटी है। ही वुड से, वो कहती थी, ही वुड से ओवर एंड ओवर, वो हमेशा बार बार वो यही कहा करती थी, अगेन, ओवर एंड ओवर, अगेन का मतलब बार बार, ठीक है? वो हमेशा ये यही कहा करती थी, If I were only larger, अगर मैं थोड़ी सी बड़ी होती, ठीक है? वो मछली हमेशा यही कहती थी कि अगर मैं थोड़ा सा बड़ी होती तो how much happier I could be, तो मैं तो सबकी, सबसे ज़्यादा तो सबकी तुलना में मैं भी खुश रहती, जो बाकी लोग खुश रहते हैं उनसे ज़्यादा मैं भी खुश होता थी। हाउ मच हैप्पियर, मुझे भी कितनी, कितना खुश होती मैं। हाउ मच मतलब बहुत ज़्यादा, हैप्पियर मतलब खुश होती। आई कुड बी, मैं भी खुश होती, ठीक है? एंड ही सैड, और वो कहती, इट्स सो मैनी टाइम, और वो इस बात को बार बार कहती। मैनी टाइम मतलब बहुत बार उसने इस बात को कहा था कि अगर वो थोड़ी सी बड़ी होती तो वो खुश रहती, वो बहुत छोटी है इसलिए वो खुश नहीं है। इस बात को उसने बहुत बार कहा था। मैनी टाइम मतलब बहुत बार बार उसने कहा, बहुत बार कहा। दैट आई थिंक वी बिलीव इट, और उसे इस बात पर विश्वास भी हो गया था कि अगर वो थोड़ी सी बड़ी होगी तो भी वो खुश रह सकती है, और वो बड़ी नहीं होगी तो खुश नहीं रहेगी, ठीक है? वन डे, तभी एक दिन, ही वॉज स्विमिंग अलोन विद द रेस्ट ऑफ हिज स्कूल। यहाँ पे स्कूल का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ फिश, बहुत सारी जो फिश होती हैं वो भी उन फिश के साथ स्विमिंग कर रही थी। स्विमिंग मतलब तैरना, ठीक है? वो भी
स्कूल की मतलब ग्रुप ऑफ फिश, बहुत सारी फिश थी, वो भी साथ में स्विमिंग कर रही थी, तैर रही थी एंड थिंकिंग, और सोच रही थी, नो डाउट निश्चित ही, नो डाउट का मतलब निश्चित ही, हाउ मच मोर द लार्जर फिश हैड टू बी थैंकफुल फॉर देन ही। और वो सोच रही थी कि वो जो बड़ी मछलियां हैं, लार्जर मछलियां हैं जो बड़ी बड़ी हैं, वो कितनी थैंकफुल होंगी, वो कितनी खुश होंगी, क्योंकि वो बड़ी हैं, वो मुझसे ज़्यादा खुश होंगी क्योंकि वो बड़ी हैं, और बड़ी मछलियां बहुत खुश होंगी उनको, उसको ऐसा लगता था। देन सडनली, वेन सडनली, सडनली मतलब अचानक से, तभी अचानक, विथ नो वार्मिंग, वार्निंग बोलते हैं, वार्निंग का मतलब होता है बिना किसी चेतावनी के, ठीक है, तभी अचानक से बिना किसी वार्निंग, बिना बताए हुए, बिना चेतावनी दिए हुए, बिना कोई बताए हुए अचानक से क्या हो गया, दे फाउंड देमसेल्फ इन द मेसेस ऑफ द ग्रेट नेट। तभी उन्होंने अचानक से अपने आप को किसमें पाया, फाउंड मतलब पाया, देमसेल्फ मतलब अपने आप को पाया, इन अ मेसेस ऑफ ग्रेट नेट, बहुत बड़े से एक जाल में अपने आप को फंसा हुआ पाया, ठीक है, नेट के जाल में, जिसमें मछलियां पकड़ी जाती है ना, जिस जाल से, देखो जाल दिखाई दे रहा है ना ये, इसमें मछलियों ने अपने आप को फंसा हुआ पाया अचानक से सभी ने, ठीक है। देयर वाज मच फाउंडरिंग एंड स्प्लैशिंग एज द नेट वाज ड्रॉन अप आउट ऑफ द वाटर इनटू द सनलाइट। और जैसे ही वो इस जाल को, ये जो नेट है, मैसेज जाल है जो, इसको जैसे ही बाहर निकाला गया सनलाइट में, वाटर से बाहर इसको निकाला गया सनलाइट में, सूरज की रोशनी में, तभी क्या हुआ, स्प्लैशिंग मतलब छपाक से, कोई चीज पानी में गिरती है ना, जैसे आवाज आती है छपाक से, इस तरह का आवाज को कहते हैं स्प्लैशिंग, ठीक है। एंड जस्ट एज इट्स हाउल वाज बीइंग, हाउल मतलब होता है जब इन मछलियों को नेट में पकड़ लिया गया, तो इनको नेट से बाहर निकालने के लिए, जिसमें इनको निकाल के रखना था नेट से, तो नेट से बाहर निकाल के रखने को हाउल बोलते हैं, ठीक है, किसी नाव में इनको रखना होगा उसमें, तो हाउल वाज बिगिन इम्प्टीड, इम्प्टीड मतलब खाली करना, जैसे ही हाउल को खाली किया गया, मछलियों को बाहर निकाला गया, इम्प्टीड मतलब खाली करना, उसे जैसे ही खाली किया गया, इनटू द बोट, किस पर खाली किया गया, बोट पे, नाव पे, ठीक है, उन मछलियों को पहले नेट में पकड़ लिया, नेट से जाल से पकड़ा, और फिर मछलियों को, सारी मछलियों को किस में डाला गया, इसमें बोट में डालने के लिए, नाव में डालने के लिए, उस जाल से बाहर निकाल के उनको, उसे खाली किया गया। और स्मॉल फिश, और जो छोटी सी फिश थी, जो स्मॉल सी फिश थी इन द स्कूल, वो जो मछलियों का ग्रुप था, उन मछलियों में से सबसे छोटी फिश थी, जो बहुत सैड रहती थी, ये रिंगल्ड, इसने क्या किया, इसने छुटकारा पा लिया अपना, टेढ़ा मेढ़ा होके वो बाहर निकल गई, रिंगल्ड मतलब बाहर निकल गई, उसे छुटकारा मिल गया, थ्रो द मैस, किससे बाहर निकल गई वो, उससे छुटकारा किससे मिल गया, जाल से, मैस से, मैस कहते हैं जाल को, जो जिसमें मछलियां फंस गई थी ना, एंड स्लिप्ड, और वो स्लिप हो गई, बाहर निकली, स्लिप्ड बैक इनटू द कूल एंड क्लियर वाटर, और क्लीन, जो साफ सुथरा कूल, ठंडा सा पानी था ना, क्लीन मतलब साफ, कूल मतलब ठंडा, वाटर मतलब पानी, ठीक है, और वो ठंडा सा पानी जो था साफ, उसमें वापस वो निकल के स्लिप्ड हो गई, पानी में फिसल गई, पानी में चली गई। हाउ गुड इट फील, और उसने कितना अच्छा महसूस किया, क्योंकि वो फंस गई थी, लेकिन वो छोटी होने के कारण वो जाल से बाहर निकल आई, इसलिए उसे बहुत खुशी हुई, उसने बहुत हैप्पी महसूस किया, देखो यहाँ पे ये मछली हैप्पी हो गई ना, खुश हो गई ना बाहर निकल के। ही स्वैम हियर एंड देयर एवरीवेयर, और फिर वो क्या करने लगी, वो तैरने लगी, भागने लगी, दौड़ने लगी, स्वैम इधर उधर, हियर यहाँ पे, दियर वहाँ पे, यहाँ वहाँ, एंड एवरीवेयर, एवरीवेयर मतलब हर जगह, वो चारों तरफ भागने लगी, खुद से तैरने लगी पानी में, है ना। एंड सम ऑफ द फिश, और जो बाकी की फिश थी, हु न्यू नो, जो कि जानती थी उसे, हिम उसे जानती थी, वेल बहुत अच्छी तरह से, वेल मतलब अच्छा, अच्छे से जानती थी, ऑल द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, उसके पूरे जीवन को, जो दूसरी मछलियाँ थी, वो छोटी मछली के पूरी लाइफ को, पूरे जीवन को जानती थी, सेड दैट दे नेवर अगेन हर्ड हिम से दैट ही विश टू बी
एनीथिंग बट अ लिटिल फिश। और फिर उन्होंने जो दूसरी मछलियाँ थी, फिर उन्होंने उसको, छोटी वाली मछली को, कभी सैड नहीं देखा, कभी ये कहते हुए नहीं देखा और सुना उन लोगों ने कि वो मछली, जो छोटी वाली मछली है, वो कुछ ऐसी इच्छा रखती है कि वो छोटी मछली होने के अलावा भी अब वो कुछ और चाहती है, ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं सुना उससे। और अब वो छोटी, अब छोटी थी, अब इस बात की उसे बहुत खुशी थी क्योंकि वो छोटी है इसलिए वो जाल में नहीं फंसी, ठीक है। तो अब उसे अपने छोटे होने पर बहुत खुशी हो रही है, अब वो बहुत हैप्पी है, ठीक है। अब उसे छोटा होना भी अच्छा लगने लगा है, देखो बहुत हैप्पी है ना ये। चलो ये स्टोरी आपकी फिनिश होती है यहाँ पे। न्यू वर्ड देखते हैं आपके, जो आपको लर्न करने हैं। इसमें जो हार्ड वर्ड और न्यू वर्ड है ना, जो आपको या जो आपको जिसके आप मीनिंग नहीं पता है, उन्हें आप नोट डाउन करिए नोटबुक में और उन्हें लर्न करना, ठीक है, उन्हें याद करना। न्यू वर्ड में देखिए क्या, मिलियन, मिलियन मतलब बताया था 10 लाख, लाखों होते हैं ना मिलियन, तो एक मिलियन में कितना, 10 लाख, 10 लाख को मिलियन बोलते हैं, ओके, मिलियन। फाउंडरिंग, फाउंडरिंग का क्या मतलब होता है, फाउंडरिंग मतलब कोई भी मिस्टेक, कोई गलती, है ना, इस तरह से फाउंडरिंग का मतलब है मेक अ मिस्टेक, कोई अशुद्धि, कोई गलती, ठीक है। फाउंडरिंग का मतलब मैसेज पता है ना, मैसेज क्या होता है, जाल होता है, मैसेज का मतलब जाल होता है, जिसमें मछली फंस गई थी ना, हाउल, हाउल मतलब क्यों, जिससे बाहर निकाल के रखा गया, जिससे मछली फंस गई थी तो उसे निकाल के दूसरे स्थान पर रखा गया, ढोना, ले जाना, कैरी करना, है ना, कैरी करने का मतलब होता है ले जाना, तो हाउल का मतलब भी हो जाता है कैरी करना, ले जाना। कंटेंट मतलब संतुष्ट, ठीक है। और स्प्लैशिंग, स्प्लैशिंग मतलब छिड़कना या अचानक से, जैसे पानी में कोई चीज गिरती है ना तो स्प्लैशिंग की आवाज आती है, छपाक से ऐसी आवाज आती है ना, उस तरह की आवाज, आवाज स्प्लैशिंग कहलाती है, ठीक है। एम्प्टी, एम्प्टीड मतलब, एम्प्टीड मतलब खाली कर देना, एम्प्टी मतलब खाली हो जाता होता है ना, एम्प्टी मतलब खाली, और एम्प्टीड का मतलब खाली हो जाना, ठीक है। रिंगल्ड, ठीक है, रिंगल्ड और वार्निंग का मतलब क्या होता है, वार्निंग मतलब चेतावनी होता है, रिंगल्ड मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा होके बाहर निकल जाना, ठीक है। रिंगल्ड मतलब जैसे वो मछली रिंगल्ड होके बाहर निकल गई थी ना, रिंगल्ड होके थोड़ा सा तिरछा मिर्छा होके बाहर निकल गई थी ऐसे, रिंगल्ड मतलब छुटकारा पा लेना, रिंगल्ड का मतलब किसी चीज़ से आपको छुटकारा मिल जाना, जैसे मछली को जाल से छुटकारा मिल गया था, छोटी मछली थी ना उसको जाल से छुटकारा मिल गया था, इसी तरह से रिंगल्ड का मतलब होता है। वार्निंग मतलब चेतावनी होता है, वार्निंग का मतलब क्या होता है, चेतावनी, ठीक है। इनको आपको लर्न कर लेना, इन मीनिंग को सबकी नोट डाउन करके लर्न करना तो अच्छे से लर्न हो जाएगी। अब रीडिंग इज फन, देखते हैं क्वेश्चन आंसर आपके क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, हाउ मैनी फिश आर देयर इन द सी, जो सी था समुद्र है जो, उसमें कितनी सारी मछलियां हैं। तो समुद्र में तो बहुत सारी मछलियां थी, ठीक है, समुद्र में तो लाखों मछलियां थी, तो देयर आर अ ग्रेट मैनी मिलियन फिश इन द सी, सी में मैनी मिलियन फिश थी, लाखों मछलियां थी, ठीक है। तो समुद्र के अंदर कितनी मछलियां थी, लाखों मछलियां थी, तो देयर आर अ ग्रेट मैनी मिलियन फिश इन द सी, ओके, समुद्र। दूसरा क्या है, वाई वॉज द लिटिल फिश अनहैप्पी, जो छोटी सी मछली थी वो अनहैप्पी क्यों थी, लिटिल मतलब छोटा सा, ठीक है, अनहैप्पी मतलब ना खुश, वो खुश नहीं थी, वो अनहैप्पी थी, वो क्यों अनहैप्पी क्यों थी बताइए आप, अनहैप्पी क्यों थी, वो क्यों थी, क्योंकि वो छोटी थी, तो उसको लगता था वो उसका छोटा, वो छोटी इसलिए वो खुश नहीं है। तो द लिटिल फिश वाज अनहैप्पी, लिटिल फिश जो थी वो अनहैप्पी थी, बिकॉज क्योंकि ही वाज सो वेरी स्मॉल, क्योंकि वो बहुत छोटी थी, बहुत छोटी थी, इसलिए उसको वो छोटे होने की वजह से वो अनहैप्पी रहती थी हमेशा, उसे लगता था कि वो अगर बड़ी होती थोड़ी सी तो वो ज्यादा खुश होती, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, What happened to the fish one day? एक दिन फिश के साथ क्या हुआ था, क्या घटना घटी थी, happened मतलब घटना, तो एक दिन मछलियों के साथ क्या हो गया था, क्योंकि एक दिन किसी ने जाल फेंक दिया था और उस जाल में बहुत सारी मछलियां फंस गई थी और छोटी वाली मछली तो पर निकल गई थी उससे, क्योंकि वो छोटी थी। तो वन डे द फिश गॉट ट्रैप्ड, ट्रैप्ड मतलब होता है पकड़ा जाना, ठीक है, ट्रैप्ड मतलब जाल में फंसने को ट्रैप्ड कहते हैं, पकड़े जाने, तो गॉट ट्रैप्ड, वो पकड़ गई थी इन अ बिग नेट, एक बड़े से जाल में, एक बड़े से जाल में वो पकड़ गई थी। वाइल ही वाज स्विमिंग, कब पकड़ी गई थी, जब वो स्विमिंग कर रही थी, जब वो तैर रही थी, इन द सी, सी के अंदर जब वो तैर रही थी, जब उनको बड़े से जाल में उनको ट्रैप्ड कर लिया गया था, पकड़ लिया गया था, ठीक है, विद इट्स फ्रेंड, उनके दोस्तों के साथ, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका व्हाई वाज द फिश थैंकफुल टू बी लिटिल फिश, क्यों जो दूसरी मछलियां थी वो व्हाई वाज द फिश थैंकफुल, क्यों जो मछली थी वो थैंकफुल थी टू बी द लिटिल फिश, लिटिल फिश जो थी उसके लिए मछली थैंकफुल क्यों थी, थैंकफुल मतलब क्यों वो खुश हुई थी, क्योंकि द फिश वाज थैंकफुल, फिश जो थी वो थैंकफुल थी, वो खुश थी टू बी द लिटिल फिश, वो लिटिल फिश छोटी थी बिकॉज कुड एस्केप्ड फ्रॉम द नेट, क्योंकि वो इसलिए खुश थी क्योंकि वो नेट से एस्केप हो गई, एस्केप मतलब स्लिप्ड हो जाना, बाहर निकल जाना, वो बाहर निकल गई थी ना नेट से, बाहर निकल के वो वापस से समुद्र में चली गई थी, इसलिए वो बहुत खुश हो गई थी। ठीक है, तो इसका ये आपका क्वेश्चन आंसर खत्म होते हैं यहाँ पे। आप इनको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना और इन्हें अच्छे से लर्न करना, और कोई प्रॉब्लम है वो तो आप मुझे कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में। ओके, आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप बेल की बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारे वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, और आप अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।